एक्सपो सेंटर लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से फूड एक्सपो इस्तेमाल किया गया। फूड एक्सपो में पाकिस्तान भर से फूड कंपनियों ने स्टॉल लगाए। लोगों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर में फूड एक्सपो का विजिट किया। इस मौके पर पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। फूड एक्सपो में किंग बेवरेज के मार्केटिंग मैनेजर शेख सुबहान अरशद, कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर मोहम्मद अब्बास, डॉन ब्रेड के एरिया सेल्स मैनेजर मलिक नजर अब्बास, मुस्तजाब इरफान अहमद, जहीन अहमद समेत मुख्तलिफ कंपनियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पंजाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा रिस्पांस है। बहुत सुबह के टाइम के ऊपर इतनी पब्लिक देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि तीनों दिन बहुत अच्छे जाएंगे। और जो ओवरऑल इन लोगों ने असेस किया हुआ है, जिसके अंदर कॉन्सर्ट भी रखा हुआ है, जिस तरीके के स्टॉल्स हैं वो भी अच्छी बड़ी कंपनीज़ के ही हैं सारे, और जो इन लोगों ने अट्रैक्शंस रखी हुई हैं वो भी काफ़ी मुनासिब हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा जाएगा। कंपनी जो है वो बेसिकली नेशन वाइड काम कर रही है, और अहमद ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो साउथ पंजाब और सिंध में अवेलेबल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम लोग नेशनल लेवल पे लाहौर पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, उसी की वजह से यहाँ पे हाजिर हुए हैं। बच्चे हम कहते हैं जी बच्चे हेल्दी से हेल्दी फूड खाएं, इसलिए हमारा मोटो भी ये है, मिशन भी यही है, और अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम जी। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अब देखें कितना मौका मिल रहा है मैनुफैक्चरर को भी और कस्टमर को भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का, ये ऐसे शो बार बार होने चाहिए। मुस्तजाब चुगताई है और मैं एशिया डाइटेक से हूँ। हम जो है आज फूड कलर की एक्सपो पे जो है वो फूड कलर्स का जो है वो हमने स्टॉल लगाया है। ये देखें ये हमारे फूड कलर्स हैं, ये लिक्विड जेल फूड कलर्स हैं। हम फूड कलर्स जो है ना सारे फूड की जो भी हमारी प्रिपरेशन होती है उसके लिए हम जो वो प्रोवाइड करते हैं। हमारी कंपनी का नाम एशिया डाइटेक है, शायद आप उससे फेमिलियर हों, अगर नहीं है तो काइंडली आप ऊपर करके थोड़ा सा दिखा सकते हैं। ये हमारा जो स्टॉल नंबर 59 है, इस पे आएँ और आके हमारे फूड कलर जब एक्सपीरियंस करें और अपने फूड में यूज़ करें। ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, इसमें ये सारे जो हैं ये पाउडर कलर्स हैं, ये कैंडी कलर्स हैं, ये आइसिंग जेल कलर्स हैं, और ये लिक्विड जेल कलर्स हैं। ये हर तरह के फूड में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी जो है वो डिफरेंट कैटेगरी है। देखें ओवरऑल रिस्पॉन्स इज़ गुड, आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्राम पंजाब फूड अथॉरिटी। एक ही जगह पे उन्होंने इतनी सारी फूड कंपनीज को इकट्ठा कर दिया है। एंड टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज ऑफ कृषि रिसर्च इंटरनेशनल, वो है प्रोवाइडिंग द टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस टू ऑल द फूड कंपनीज। तो ये ओवरऑल जो एक फोरम है हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हमारी सर्विसेज को ऑन वन विंडो इंट्रोड्यूस कराने के लिए इट्स अ गुड फोरम। सॉरी आवाम के लिए देखें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि सारी की सारी फूड कंपनीज वहाँ हैं, तो ओवरऑल लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है। इंडस्ट्री के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है कि वो एक ही जगह पे मल्टीपल कैपेसिटी के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते। बेसिकली सर केमिकल इंडस्ट्री ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की बैकबोन है और ये पूरे मुल्क की इकॉनमी में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। वी बींग द केमिकल मैनुफैक्चरर्स, हम लोग भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह और चूँकि एक एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म है तो इस एसोसिएशन में हम तमाम लोग एक साल में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं, तो एक लोगों से नो हाउ भी हो जाती है, और साथ कर ख़ासकर आजकल के हालात में डेफिनेटली ये एक जिसे कहते हैं ना एक गेट टुगेदर, ये बड़ी ज़रूरी है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि पाकिस्तान में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से क्या क्या काम हो रहे हैं और हम लोग किस तरह मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और मुल्क में हम अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो शो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इवेंट है और माशाल्लाह काफ़ी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। इस तरह की एग्जीबिशंस करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से लोकल इंडस्ट्री प्रमोट होगी और सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अभी जो आपको भी पता पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, ऐसे हम जैसे ही अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे ये चीज़ें डे बाई डे इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हम किंग बेवरेजेस से हैं, हमारा मेन ब्रांड पावरफुल है और मेन चीज़ हम एनर्जी ड्रिंक यानी कि स्टिमुलेंट ड्रिंक में डील कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जूसेस की रेंज है लंबी चौड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो इम्पोर्टेड ड्रिंक्स जैसे लोगों का कॉन्सेप्ट था वो हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए हैं सारी चीज़ें। फूड एक्सपो के आखिरी रोज़ म्यूज़िक कंसर्ट का भी एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तानी मरूफ सिंगर्स ने अपनी परफॉर्मेंस पेश की। जिंदगी
कैमरामैन आतिफ अरुण के साथ अर्शद अली भट्टी, चीफ रिपोर्टर पंजाब मीडिया टीवी लाहौर।